हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मैं आया हूँ नेहरू प्लेस पे, और नेहरू प्लेस में स्पेशल गोल्डी बिरयानी बहुत फेमस है, तो आज उन्हीं के पास आया हूँ। और मेरे पीछे देख सकते हो कि मैम है जो स्टॉल लगाती हैं गोल्ड स्पेशल गोल्डी बिरयानी का, और काफ़ी फेमस हो रहे, काफ़ी वायरल हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना चल के बिरयानी खाया जाए और टेस्ट लिया जाए और उनसे मिल के उनके बारे में जाना जाए। तो चलते हैं और मैम से मिलते हैं और उनके बिरयानी का टेस्ट लेते हैं। तो कैसे हैं मैम? भैया, तो आज बिरयानी है कि नहीं है? हाँ जी, मिल जाएगी बिरयानी। और क्या आप पहले आए थे तो आप वापस गए थे? मैं एक दिन आया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी वीडियो बनाने की, सही पूछो तो। मुझे लग रहा था कि आप दाब मनोज भाई की तरह मना कर दो, इसलिए मैंने वीडियो बनाया नहीं था, सही बताऊँ तो। आपको हमारा सादा सिंपल खाना है, वीडियो ही तो बनाओगे, आप क्या करोगे, वीडियो ही तो बनाओगे, तो वही तो करते हैं ये। और ये आप लोग तो हमारी हेल्प कर रहे हो, आप तो हमें प्रमोट कर रहे हो। एक चम्मच दो देना, आप तो हमें प्रमोट कर रहे हो, मुझे तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, आप लोग हमें प्रमोट कर रहे हो, लेकिन लोग समझते नहीं ना ये सब चीजें। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। सही है, सही है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि बिरयानी कितनी देखने में अच्छी लग रही है, तो खाने में तो स्वाद ही आ जाने वाला है। और ये हमारी बिरयानी लग रही है, और जो इसकी खुशबू है ना, कसम से अब रुका नहीं जा रहा कि जल्द से जल्द हमें बिरयानी मिले और हम टेस्ट करें और खाएं। बाकी के लोग देते हैं बिरयानी वो तोल के देते हैं, तोल में क्या होता है, कम आते हैं, मैं तोल के नहीं देती हूं। अच्छा। मेरा दिल बहुत बड़ा है। ओह, के पास पैसे नहीं भी है ना, वो बिना पैसे के खा के जाएगा, लेकिन जो देने का अधिकारी है वो दे पैसा। बिल्कुल, जो देने का अधिकारी है वो पैसे दे के जाए, उनके लिए मैं फ्री में खाना देती हूँ। उनको बिरयानी भी खिलाइए, बच्चे मांग रहे थे, मांग कह रहे थे, मैं तो खुद बुला के खिला देती हूँ, कभी पराठे कभी रोटी बिरयानी। तो आप सिर्फ बिरयानी बनाते हैं? और भी कुछ बनाते? मैं बहुत कुछ लेके आती हूँ, घर का प्रॉपर खाना लेके आती हूँ। आपको थाली मिलेगी, वेज बिरयानी मिलेगी, और जैसे कि बेसिकली बहुत तरह से सब्जी होती है ना, गीली सब्जी जो होती है हमारी, वो मैं एवरीडे चेंज करती हूँ, सूखी वाली भी चेंज करती हूँ, दाल चावल, कड़ी चावल, राजमा चावल, या कुछ और लिक्विड में समझ में आता है तो मैं वो ले आती हूँ। उसके साथ मैं आपको प्लेन राइस देती हूँ, थाली भी रहेगी मेरे पास, थाली 45 रुपीज़ की, उसमें तीन रोटी, राइस मिलेगा, अचार, चटनी, सैलड मिलेगा, दो सब्जियाँ मिलेंगी, यानी कि 45 में आपका पेट भर जाएगा। आप जज करोगे, खुद ही जज करोगे आपके आपका पेट भर गया। अब ये नहीं कहोगे कि 45 में हम लोग ऐसे जा रहे हैं, पेट नहीं। तो आज सिर्फ बिरयानी है आपके पास? आज मेरे पास बस बिरयानी है, क्योंकि आज फेस्टिवल है ना गाइस, इसलिए ज़्यादा खाना नहीं। तो गाइस, अब बिरयानी टेस्ट करके देखते हैं। वाकई में बिरयानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन तीखा बहुत है, मुझे क्योंकि तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है। देखिए यहाँ पे ना सब लोग ना मम्मी के हाथ से बनी चटनी मांगता है, आपको पता है, स्पेशली बोलते हैं कि दीदी हमारे लिए पैक करते हैं, उसी हिसाब से लेके आते हैं। आपको तीखा लग रहा है, आई थिंक आपको टेस्ट अलग है, आप तीखा नहीं खाते। मैं पहले बहुत तीखा खाता था, लेकिन इस टाइम क्या है कि अब तीखा खाना बंद कर दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया देखिए, 2 महीने से जॉब से बैठी हुई हूँ, कुछ इनकम है नहीं, दो छोटे छोटे बच्चे उनकी परवरिश कर रही हूँ, बूढ़े माता पिता उनकी देखभाल कर रही है, दवाई गोली है, रेंट पे रहती हूँ, रेंट भी देना है, कैसे सर्वाइव करूँगी, इसी के चलते घर से बाहर निकलना ही पड़ा। और मैं तो ये कहना चाहूँगी भैया, अभी आजकल मेरे घर पता क्या हो रहा है, जो मेरे पड़ोस के लोग हैं ना, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे, वो खुद का मजाक उड़ा रहे हैं, वो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे। मेरे अंदर इतने गट्स है कि मैं इतने लाखों करोड़ों लोगों के सामने मैं अपने अधिकार के लिए मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ खड़े होकर अपना सामान लेके आ रही हूँ, बना के लेके आ रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं घर में बैठ के इधर की उधर, उधर की इधर मैं नहीं कर रही। मेरी तो उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया चुंगी में लगे रहे और मुझे मेरा काम करने दे। यहाँ पे स्टॉल लगाने में कितनी आपको परेशानी है? मैंने सुना कि आपके पास बहुत बार कोशिश हुई यहाँ से स्टॉल हटाने की। अभी कुछ लोगों ने बोला कि यहाँ से हटाने के लिए, तो अभी तो नहीं बोला है, दोबारा 2-3 बार बोला है, उसके बाद नहीं बोला है मुझे। तो आप लोगों की मदद हो रही है, आप लोगों की वजह से मेरे को ये हो रहा है कि वीडियोज आ रहे हैं, तो लोग वीडियोज देखते हैं, तो वहाँ सपोर्ट हो जाता है, वो लोग आते नहीं है बोलने। अच्छी बात है कि वीडियो के जरिए आपकी थोड़ी सी तो मदद हम लोग कर पा रहे हैं। आप लोग बहुत हेल्पफुल हैं, और मैं तो पूरी जो ब्लॉगर्स हैं, जितनी भी मेल और फीमेल ब्लॉगर्स हैं, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, जैसे भी यहाँ पे आए कि आप लोग वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स वीडियोस बनाते हैं, तो देखते हैं लोग, तो उसे देख करके थोड़ा सा टच तो होता ही है इंसान के, यार किसी को क्यों परेशान करे, कोई अगर मेहनत करके कमा के खा रहा है क्यों परेशान करना उसको, बस आप लोगों की हेल्प की वजह से ही हो पा रहा है। अच्छा है, और हमेशा मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और जैसे दीदी ने बताया कि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में हंसते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए हंसना है, बाकी बाद में सारे लोग समझ में आ जाता है। और बिरयानी तो बहुत अच्छी है, मैंने खाया, और बस तीखा बहुत है जो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी।
बाकी स्वाद बहुत अच्छा है। आप लोग भी अगर नेहरू प्लेस आ रहे हैं तो आइए और स्पेशल गोल्डी दीदी की जो बिरयानी है वो खा के देखिए, और मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। आज तो खैर बिरयानी कल इन्होंने बनाई, बाकी दिन रोटी सब्जी दाल वगैरह सब बनाते हैं और बेचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद है तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुँचती है।